हेलो एवरीवन, इस सेशन में कवर करने वाले हैं हम इंसर्ट मेनू, एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू में लिंक ऑप्शन को। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है, इनको समझना होगा। तो पहला है हाइपरलिंक, इसे कहते हैं कंट्रोल के। हाइपरलिंक क्या करता है कि किसी भी फाइल को, दो फाइलों को आपस में जोड़ देता है। जैसे क्या, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई नाम दे देना है, किसी फाइल को यहीं से मैं ओपन करना है। कोई वीडियो है, वीडियो ओपन करना है तो यहीं से भी ओपन कर सकते हो। आपका म्यूजिक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए, माय डॉक्यूमेंट, कोई आपके पास फाइल वगैरह है उसको आप मंगा सकते हो। देखो, इसको सेलेक्ट करो और आपने हाइपरलिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करो जहाँ पे फाइल है, और हमने क्लिक किया एफ ड्राइव, हमें ओपन करना है जो लिखा है पिक नाम से, ओके करना है। ठीक है, देखो एक लिंक बन चुका है। और अब ध्यान देना, इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा। एक और चीज बना लो, माय वीडियोस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करो इस पर और उस फाइल को जोड़ दो जहाँ पर वीडियो है। और हम यहाँ ई ड्राइव में आए, यहाँ पे कुछ वीडियो फाइल बने हुए हैं, यहाँ क्लिक किया, ओके करो। देखो हिंदी वीडियो HD है, ओके करेंगे हम। अब देखो इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान होगा ना। कंट्रोल बटन प्रेस करो, देखो हाइपरलिंक बन गया। क्लिक करो, यस करो, देखो फोल्डर आ गया पिक्चर वाला, है ना। अब देखो वीडियो ओपन करना है ना, तो इस पर क्लिक करो कंट्रोल के साथ, यस करो, देखो ये वीडियो वाला आ गया फाइल। समझ में आया हाइपरलिंक का मतलब। इसी तरह से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अलग अलग फाइलें हैं, रिकॉर्ड हैं, उनको क्या कर सकते हैं आप एक जगह रख करके लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कहीं भी हो। मतलब ये है कि कई अनमैनेज तरीके से है आपके पास अलग अलग डेटा, तो उसको आप एक मैनेज तरीके से आप हाइपरलिंक बना दो और उसको कवर कर पाओ। एक और इसके बाद क्या होगा, एक और चीज़ समझो। अब बात करेंगे हम बुकमार्क का। इक्वल करते हैं रैंड, हम यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट मंगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डमी टेक्स्ट आ चुका। आप समझना इसको क्या करना है। मान लो आप पढ़ते पढ़ते आपने कुछ स्टडी कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा है मान लो यहाँ तक ब्लॉग तक, इसको सेलेक्ट करो, इस एरिया को किसी वर्ड पे डबल क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ जाओगे, कॉपी करके बुकमार्क पे चले जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी से ऐड कर लो। समझ में आया। और आप क्या करो, देखो अब लास्ट टाइम आपको, आप यहाँ पे हो, देखो तो कर्सर यहाँ दिख रहा है, क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कहाँ तक आपने पढ़ा है, गो टू पे क्लिक करोगे ना तो आपको पहुँचा देगा सीधे सा। देखो यहाँ पहुँचा दिया, आपको बता रहा कि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, एक और तरीका है कि अगर आपने कुछ हाइपरलिंक बना लिया है, बुक मार्क बना लिया है, तो क्रॉस रेफरेंस से भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ होगा बुक मार्क, देखो ये वर्ड हमने जो सेलेक्ट किया था, इंसर्ट कर दो। अब ध्यान देना, अब इस वर्ड पे जो आपने बना के रखा है बुक मार्क, कंट्रोल बटन प्रेस करो, क्लिक करो, आपको पहुँचा देगा। समझ में आया। इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि सिंपल टेक्स्ट में भी हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हेडर फुटर।